नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा के अंदर जो है कच्चे कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। बस जिस प्रकार से जो लाखों की संख्या में कच्चे कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार हमारे लिए जो है खुशखबरी कब लेके आओ। तो बस साथियों, आप साथियों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सरकार ने जो है मसौदा तैयार कर लिया है। पहले जो साथी एडोग वेस पर लग रहे हैं, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी इसके अंदर शामिल हैं भाई, और डीसी रेट के कर्मचारी जैसे आटून के तहत जो कर्मचारी लग रहे हैं, यह डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो वह खुद हायर कर रखे हैं। 5 से 7 साल लग के जो वह कर्मचारी उच्च स्तर पर जो वह कार्रवाई शुरू करने का काम कर दिया है। आप साथी ने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, आज की जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन है, और कई साथी बार बार ये भी पूछें कि सर कौन से न्यूज़पेपर की है। तो बस साथियों, अमर उजाला जो है न्यूज़पेपर आप साथी उठा लेना, उसके अंदर आज की जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है 24/6/2024 की। तो बस साथियों, कर्मियों को जो है पक्का करने का मसौदा जो है तैयार कर लिया है। पहले डीसी रेट व एडोक वालों को जो है मौका देने का काम इसके अंदर किया जाऊगा। जिस प्रकार से आपने जो अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देखी थी कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत वह जो भी यानी कि कर्मचारी 5 से 7 साल लग के जो कर्मचारी थे या फिर 7 साल से अबों के जो कर्मचारी थे, उनका डाटा मांगा गया था। 2-3 बारी रिमाइंडर भी गए थे। अब जो लगभग डिपार्टमेंटों ने जो अपना डाटा शेयर कर दिया है, और जो एचकरण के कर्मचारी थे, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी हैं, उनका डाटा ऑलरेडी एचकरण ने बोला था कि कोई विभाग ना देवे, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का जो डाटा है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम खुद शेयर करे भाई गवर्नमेंट को। मैं हमारे पास में इतने कर्मचारी हैं, इतने जो हैं पोर्ट किए हुए हैं और इतने बिना पोर्ट के किए हुए। अब पोर्ट वाले की बात कर लें तो काफ़ी सारे साथी जो इस चीज़ को लेकर भी परेशान हैं कि हमारा जो है एक्सप्रेस ऐड नहीं कर रखा डिपार्टमेंट ने, जिसके तहत हमें जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वह जितने भी साथी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साथियों का जो पीछे की जो सर्विस थी उसको भी जो है कैलकुलेशन कराया जाओगा, और आप साथियों का जो ईपीएफ था, जिसके अंदर हमने आपको जानकारी दे रखी पहले भी वीडियो के माध्यम से कि ईपीएफ के तहत आप साथियों का जो एक्सप्रेस है उसको कैलकुलेशन कराया जाओगा, क्योंकि ईपीएफ के अंदर जो है आप साथियों का पूरी पूरी डिटेल है कि आपने कब किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है काम कर रखा है। अगर वो वीडियो भी आपने देखनी है तो आप साथी कमेंट कर देना, दोबारा से वीडियो ले आवाँगे। नहीं तो आप साथी टेलीग्राम के अंदर जाके सर्च कर सको, उसके अंदर आप साथियों का टोटल एक्सप्रेस रहेगा। इसके अंदर बोला गया साथियों, जो मेन चीज़ आ चुकी है इसके अंदर, वह जो हरियाणा सरकार के जो है अधिकारी ने ये जॉब इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है। इन्होंने बताया कि जो डीसी रेट है, डोक है, पॉलिसी 2 के तहत जो भी अनुबंधित कर्मचारी लग रहे हैं, सरकार की मंशा की शुरुआत में डीसी रेट और डोक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने का मौका दिया जाएगा भाई। यानी कि पहले जो मौका मिलेगा वो डोक के तहत, यानी कि जो एचकरण के तहत कर्मचारी लग रहे हैं और जो पार 2 के तहत कर्मचारी लग रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। इसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में जो विचार किया जाएगा, और हरियाणा में जो अलग अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है। सीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि मसौदे की अंतिम रूप में देने की जल्द ही जो है मुख्यमंत्री के साथ में बैठक होनी है। यानी कि अभी भी जो है एक बैठक के लिए जो है तत्काल मंत्रिपरिषद की जो बैठक वो बुला रखी है, जिसका लेटर हमने आपको दे रखा था, और हो सका वहाँ पे भी जो है कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड जो है मुद्दा उठ सका है और उसके ऊपर चर्चा करी जा सके। तो भाई ये जो है जो सरकार का जो सीएमओ के अधिकारी है उसने जानकारी दी है, और उसी के तहत यह जो है न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित करी गई है कि कच्चे कर्मचारियों को जो है जल्द से जल्द हरियाणा सरकार खुशखबरी दे सके। क्योंकि आपने पता होगा कि 3 महीने के बाद में जो है विधानसभा के चुनाव हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले पहले जो भी कच्चे कर्मचारी हैं वो बार बार डिमांड कर चुके हैं, जितने संगठन हैं वो बार बार डिमांड कर चुके हैं कि अगर कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई तो कच्चे कर्मचारियों का सीधा रुख जो है दूसरी जो पार्टी होगी उसको होगा, क्योंकि उसको वोट देने का काम करेंगे, ना कि आपको। अगर हरियाणा सरकार कोई पॉलिसी ले आई तो उसको जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और लाखों जो कर्मचारी व इनके जितने भी वोट हैं वो हरियाणा सरकार को मिलेंगे भाई, जो अभी बीजेपी की सरकार है। तो इसके अंदर बताया कि जल्द ही सरकार जो इस मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने की पॉलिसी जारी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले जो हरियाणा सरकार पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को जो है पूरी जानकारी हासिल कर चुकी है। मुख्य सचिव ने पिछले माह जो है सभी से खाली भरे हुए पदों का ब्यौरा मांगा था, और लगभग डिपार्टमेंटों के अंदर जो पोस्टें थी उसके लिए भी लेटर जारी हो रही है कि सेंक्शन पोस्टों को जो अप्रूवल करवाया जावे, और जितने जो कच्चे कर्मचारी थे जो एचकर में पोर्ट कर दिए उनकी भी जो है सेंक्शन पोस्टों की अप्रूवल ले ही जावे, जिसके लिए भी बाकायदा जो हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। 1.8 लाख से अधिक जो है पद खाली पड़े हैं,
कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी लग रहे हैं और 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो ठेके के कर्मचारियों कौशल रोजगार निगम में सम्मिलित कराया गया था। तो इस प्रकार से आप साथियों ने भाई यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथियों के लिए अच्छी खुशखबरी जैसे मिलेगी तो आप साथियों को अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाओगी। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।